हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल्स पावर। आज हम बात करेंगे, हम जब कुछ सक्सेस को अचीव करते हैं हमारे अंदर में एक एरोगेंट या घमंड आ जाता है, वो बिल्ड हो जाता है कि हमने जो अचीव किया अपने दम पे करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे भी बहुत सारा इनविजिबल पावर का सपोर्ट रहता है, जिस सपोर्ट से हम सक्सेस को अचीव करते हैं। और ये एक छोटा सा स्टोरी सुनाएंगे। आप लोग को सबको पता है, जब कुरुक्षेत्र में वार एंड होने वाला था तो अर्जुन और कर्ण के अंदर वार स्टार्ट हुआ। तो इसको देखने के लिए सारे भगवान भी आ गए, क्योंकि उसी टाइम कर्ण और अर्जुन सबसे बड़े धनुर्धारी थे। तो सारे देख रहे हैं, जब अर्जुन तीर मारता था तो कर्ण का जो रथ है 25 से 30 फीट पीछे चला जाता। जब कर्ण ने तीर मत चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ है 3 से 4 फीट ओनली पीछे जाता था। ये देख के भगवान कृष्ण ने मुस्कुराए और कर्ण जी का तारीफ कर दी। ये अर्जुन सुनते थे, लास्ट में एंड में वार में अर्जुन जीत गए। जब वार खत्म हुआ तो भगवान जी को अर्जुन ने पूछे कि आप जब वार चल रहा था कर्ण जी का आप तारीफ कर रहे थे, जबकि उनका तीर से मेरा जो रथ था 3 से 4 फीट पीछे जाता था, और जब मेरा तीर से उनका 25 से 30 फीट पीछे जाता था, फिर आपने उनका तारीफ किया और मेरा तारीफ नहीं किया। भगवान ये सारे अर्जुन जी का क्वेश्चन सुनने के बाद थोड़ा स्माइल किया और आंसर में दिए, आपका रथ में स्वयं हनुमान जी, भगवान हनुमान जी विराज है कि आपका रथ को सपोर्ट करने के लिए आपका फ्लैग में, और मैं खुद सारथी बन के आपका रथ को सपोर्ट कर रहा हूँ, और शेषनाग भी आपका व्हील में बैठा हुआ है, फिर भी उनका तीर से 3 से 4 फीट हमारा रथ पीछे जाता था, कि वो अपने दम पे वो पावर पे वो पीछे घसीटा देता था। तो ये सुन खत्म हुआ तो बोले कि मेरा तीर से जब 25 फीट जाता था तो उनका रथ में ऐसे कोई सपोर्ट नहीं था, इतना पावरफुल भगवान का सपोर्ट नहीं था। ये खत्म होने के बाद कोरी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोले कि अभी रथ से भी उतरने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन जी को बोले कि आप उतर जाओ। तो फिर अर्जुन जी पहले उतरे, उसके बाद जब कृष्ण ने उतरे तो उनका रथ जो था जल गया। तो ये रथ जब जल के भस्म हो गया, अर्जुन जी सारे चीजें समझ गए कि क्या हुआ था। रथ ऑलरेडी, भगवान ने बोले कि रथ ऑलरेडी ही जल गया था, हम तो ओनली प्रोटेक्ट करके रखा गया था। ये स्टोरी से हमें ये शिक्षा देता है कि हम जो सक्सेस अचीव करते हैं उसके पीछे हमारा फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, वाइफ, बच्चे, जो भी है उनका सपोर्ट है। उनके सपोर्ट के वजह से ही हमें ग्रो करते हैं, उनका बिना सपोर्ट हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब भी आप सक्सेस को अचीव कर लेते हो तो ऐसा घमंड ना करके ऐसे कुछ करो कि बाकी आप लोग का जैसे बंदे और सक्सेस की तरफ जा सके, ताकि आपका जो जिंदगी जो है 40 या 50 70 साल जो भी है, लेकिन कुछ ऐसे करके जाओ कि जैसे आप जाने के बाद में दुनिया आपको याद रखेगा। लाइक अभी कोरोना वायरस में सनू सूद कितना अच्छे काम कर रहे हैं, ताकि उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है। अच्छे काम करो, सपोर्टर बनाओ और सबको हेल्प करो। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नया चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, ताकि मेरा ये चैनल जो है इंडिविजुअल्स पावर वन टाइप ऑफ मोटिवेशनल वीडियो है और खुद के अंदर को जो पावर है पहचानने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। थैंक यू।